नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने मौसम का ताजा हाल लेकर के, वेदर अपडेट लेकर के। नवरात्रि में आपके उमंग में खलल डालने के लिए मौसम बदलने वाला है, यानी मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। एक बार फिर से बिहार में बदरा बरसने वाले हैं। चक्रवात के वजह से मौसम पूरे ही जिले के, यानी बिहार के तमाम जितने भी जिले हैं, वहाँ मौसम बदल सकता है और नवरात्रि आपकी खराब करने के लिए मौसम बेताब है। बताए तो जहाँ एक तरफ नेपाल में भीषण वर्षा हुई है, जिसके वजह से बिहार में तमाम नदी आलाबालाब हो चुकी है, नदियाँ उफान पर है और बिहार में बाढ़ जैसे हालात है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी बारिश लोगों का नवरात्रि खराब करने के लिए तैयार हो गई है। अगर आप मेला घूमना चाहते हैं, अगर आप मेले के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो एक बार सोच समझकर ही घर से बाहर निकलिए, क्योंकि बारिश होगी और बारिश के वजह से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो देखिए, पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से आज के लिए यानी सोमवार के लिए मौसम की क्या ताज़ा अपडेट दिया गया है, मौसम कैसा रहने वाला है। पटना से राजधानी पटना के सटे आस पास के सटे जितने भी जिले हैं, वहां आज बारिश होगी या नहीं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। में नवरात्र के दौरान बरसते बादल मेले का मजा किरकिरा कर सकते हैं। पूजा पांचवे दिन भी बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बताएं तो मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। सोमवार को बिहार में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे धूप का कम निकलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। बिहार में तापमान लगभग 31 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार बिहार में मॉनसून की वापसी यानी 15 अक्टूबर तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। वैसे उत्तर पूर्व हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, इसका प्रभाव भी इस सप्ताह बिहार में देखने को मिलेगा। सोमवार को तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विशेष रूप से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। सोमवार को बिहार में न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री से और अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की माने तो इन इलाकों की स्थिति और बिगड़ सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के करीब 20 जिलों में बारिश और आसमानी बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, सारण, अररिया, सहरसा, मधेपुरा जिले में बाढ़ के कारण पहले से ही समस्या है। इन क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ दोनों का असर देखने को मिल सकता है। तो देखिए, इस बार नवरात्रि में और मेले में आपका मजा किरकिरा करने के लिए मौसम बेताब हो चुका है। एक बार फिर से बिहार में मानसून की एंट्री हो सकती है। मानसून में तो बदरा नहीं बरसे, लेकिन अब नवरात्रि में बदरा बरस सकते हैं। 15 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है और ये चक्रवर्ती तूफान के वजह से भी हो सकती है। खासकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इसके लिए चेतावनी बरतना आपके लिए ज़रूरी है। और खासकर अगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की बात करें तो उनके लिए हाई अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो देखिए, बारिश एक बार फिर से बिहार में होने वाली है और खासकर नवरात्रि में हो तो काफ़ी ख़राब भी लगता है। फिलहाल इस वेदर अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।